अगर हम सही तरीके से पढ़ाई करें तो हम कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं कि वो ज़्यादा लंबे समय तक हमें याद रहे। पढ़ाई करने के तरीकों पर कुछ रिसर्च हुई और कुछ साइंटिफिक तरीके डेवलप किए गए और उसी तरीकों में से एक टेक्निक बनाई गई है, उसका नाम है SQ3R टेक्निक। इस टेक्निक से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये SQ3R टेक्निक में कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला आता है सर्वे पार्ट, जिसमें हम जो सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। दूसरी बात आती है क्वेश्चनिंग की, जहां हम जो देखा है उसमें से हम क्वेश्चंस बनाते हैं। फिर 3 R होते हैं, जिसमें पहला होता है रीड, हम सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं। फिर रिसाइट करते हैं, यानी सिर्फ एक बार रिपीट कर लेते हैं, और फिर हम उसको रिव्यू करते हैं। तो ये पूरी SQR3 टेक्निक्स की कुछ स्टेजेस हैं। तो ये टेक्निक जो है फ्रांसिस रॉबिन्सन ने 1946 में बनाई थी और अपनी बुक में भी इसको लिखा था, इफेक्टिव स्टडी जिसका नाम है। इन्होंने ये टेक्निक से अपने कॉलेज स्टूडेंट को पढ़ाया और उस पर उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। सारे स्टूडेंट्स का जो है परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा रहा। तो ये टेक्निक वैसे तो उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट के लिए बनाई है, पर ये स्कूल वाले या कोई आप जनरल स्टडी भी करते हैं तो उसमें भी आप ये आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 फर्दर स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। पहला काम आपको करना है एक्चुअल रीडिंग के पहले, उसके बाद आपको ड्यूरिंग रीडिंग में कुछ काम करने हैं, और पढ़ाई हो जाने के बाद आपको कुछ काम करना है। तो पहले आपको सर्वे और क्वेश्चनिंग वाला काम करना है, जो आपका एक्चुअल पढ़ाई के पहले होना है। तो सर्वे में आपको क्या करना है, आपको बस चैप्टर की हेडिंग, सब हेडिंग, कुछ फिगर हो, कुछ टेबल हो, कुछ फोटो हो, उन सबको बस देख लेना है। सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना। और ये काम करने में आपको 5 मिनट लगेंगे, और ये काम आपको करना है 5 बार। 5 बार आपको सिर्फ हेडिंग, सब हेडिंग, ये सारी चीज़ें देख लेनी है और कुछ नहीं करना। अब इस देख लेने का आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि एक्चुअल पढ़ाई के पहले आप कंटेंट से, टॉपिक से फैमिलियर हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर आपके ब्रेन में कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड है तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। आपका पुराना नॉलेज जो भी इससे रिलेटेड है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आपकी पढ़ने की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाएगी। दूसरा काम आपको करना है क्वेश्चनिंग वाला काम। तो आपने जो भी हेडिंग, सब हेडिंग पढ़ी है, आपको उसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर देना है। तो आपको कुछ सवाल करने हैं कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन ये चैप्टर हमें देना चाह रहा है, इस तरह के आप सवाल बना सकते हैं। और अगर सवाल नहीं दिए गए हैं तो आप बना सकते हैं, और अधिकतर बुक्स में चैप्टर के एंड पे क्वेश्चन दिए रहते हैं तो आपको उनको भी पढ़ लेना है। इसके साथ आपको, अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो आपको लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ लेने हैं कि लास्ट 5 ईयर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, उनको भी आपको पढ़ लेना है। अब ये क्वेश्चनिंग के आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक फ़ायदा तो ये मिलेगा कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ काम की है और क्या चीज़ काम की नहीं है। तो आप अपना फोकस जो है एक सही डायरेक्शन में, एक लिमिटेड एरियाज पर ही रखेंगे, ना कि पूरे दुनिया भर के चैप्टर की हर बात पर। और आपकी जो भी रिडंडेंट, जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो एग्ज़ाम में नहीं आती है या बिल्कुल ही चांस नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है। दूसरा काम आपको करना है रीडिंग वाला। तो आपने सर्वे में जो देखा, क्वेश्चंस जो आपने बनाए हैं, उन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए आपको रीडिंग करनी है। आपकी रीडिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि आप उन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो आप उस तरीके से रीडिंग करिए।
आपको बुक में जवाब मिल जाए बहुत अच्छी बात है। बुक में अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप गूगल की हेल्प लीजिए, आप विकिपीडिया की हेल्प लीजिए, या कोई और दूसरा सोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रीडिंग के बाद आपको काम करना है रिकॉर्डिंग का, यानी कि जो भी जवाब आपने ढूंढे हैं क्वेश्चंस के, उनको आपको रिकॉर्ड करना है, उनके आंसर्स को रिकॉर्ड करना है। तो वो काम आपको करना है नोट्स बना के। नोट्स जब बनाएं आप, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने ही शब्दों में बनाएं, ताकि आपको और अच्छे से लंबे समय तक याद रहें। कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। तो ये काम आपको रिकॉर्डिंग वाले प्रोसेस में करना है। रिकॉर्डिंग के बाद आपको करना है रिसाइटिंग, यानी कि उसको पढ़ना है, आपने जो आंसर ढूंढे हैं, जो रिकॉर्ड किए हैं, उनको पढ़ना है। तो कोशिश करिए कि जब भी आप पढ़ें तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों को उसमें शामिल करना है। अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा कम याद रहेगा, पर आप पढ़ने के साथ साथ बोल के पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि आपके तीन सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप देख भी रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, और आपका पावर और बढ़ जाएगा याद रखने का अगर आप और सेंसेस को इन्वॉल्व कर लें, यानी आप पढ़ें भी, लिखें भी, सुनें भी, और ये सारी चीज़ें आप करते हैं, तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी और ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो जब भी आप रिसाइट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करें। इसके बाद वाला चीज़ आ जाती है रिव्यू वाली या रिवीजन वाली। तो यहाँ पे हमारा काम है, हमारा उद्देश्य है कि हमने जो भी पढ़ा है उसको हम परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफ़र कर सकें, ताकि हम एग्ज़ाम में उस चीज़ को अच्छे से लिख सकें। तो हमारा एक फॉरगेटिंग कर्व होता है कि धीरे धीरे ब्रेन जो है वो चीज़ों को छोड़ने लगता है, भूलने लगता है, क्योंकि उसको ये फील होता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको ब्रेन को ये फील कराना है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो आपने जो भी पढ़ा है वो 24 घंटे के अंदर आपको रिव्यू कर लेना है, 24 घंटे के अंदर आपको कर ही लेना है, और उसके बाद आपको वीकली ये काम करना है। तो ये काम आप करेंगे, और आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करते हुए करेंगे। तो ये काम आप जब करेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफ़र होने लगेगी, आपको बहुत लंबे समय तक जो है वो याद रहेगा। तो ये थी हमारी SQ3R टेक्निक की बात। तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और टेक्निक आपको बताऊंगा, आप अगर उनको मिस नहीं करना चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।